प्यारे विद्यार्थियों, मैं सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंसूरा विखे गणित अध्यापका जसलीन कौर अज तुहानू PAS की तैयारी संबंधी कुछ नुक्ते दसूंगी। बेटे, जेड़ा PAS है, इसका मतलब है पंजाब अचीवमेंट सर्वे। मतलब के पंजाब विच जेड़े विद्यार्थी हन उन्होंने की कुछ अचीव किया है, इस बारे एक सर्वे करवाया जाएगा। एक तुहानू पेपर भेजा जाएगा जिसनों तुसी हल करके भेजोगे, अते उस तो पता चलेगा कि पंजाब दे बच्चियां दा सिखण दा पद्धर कित्थे कु तक स्टैंड करता है। अते PAS दी तैयारी लई 8वीं जमात दे विद्यार्थियों नू गणित विषय दी तैयारी करन वास्ते मैं कुछ वीडियोज बनाऊंगी जो कि तुहाडियां लर्निंग आउटकम्स नाल संबंधित होणगियां। हुण सब तो पहला तुहानू ए समझना पवेगा कि लर्निंग आउटकम्स हुंदा की है। लर्निंग आउटकम्स हुंदियां ने कि असी जो पढ़िया जो सिख्या उहदे विच्चों असी लाइफ विच की कुछ सीख लिया, कि वह चीजा सानू समझ विच आ गई ने, कि वह सीखण तो बाद साडी जिंदगी विच उस दे नाल कुछ आसानी हुई है, सानू कुछ पता भी लगा है कि असी खाली रट्टा ही मारदे जा रहे हां। तो गणित विषय दियां 8वीं दियां जो लर्निंग आउटकम्स आईयां हन उहनां नूं मैं तुहाडे रूबरू किया है। ये देखो बेटा, ये तुहानू 10 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। मैं वारी वारी करके अलग अलग वीडियोज़ दे विच ये सारे तुहानू एक्सप्लेन करूँगी, अते इन्हां नाल चीज़ां जो भी संबंधित घटनावां ने उन्हां बारे तुहानू दसूंगी। ये देखो, पहली जो लर्निंग आउटकम है वह है परिमेय संख्यावां दा जोड़ घटाओ गुणा अते वंड नूं स्वीकृति देवेगा। भाव कि जेड़ा 8वीं क्लास दा विद्यार्थी है उसनू परिमेय संख्यावां दियां जोड़ घटाओ गुणा अते वंड नाल संबंधित सारे नुक्ते पता होने चाहिए हन। तो मैं तुहानू इस दे मुढले बेसिक कुछ पॉइंट्स अज दसूंगी। देखो, ए परिमेय संख्यावां दा जोड़ दा सवाल है। बेटे, जदों हर बराबर होवे तां जोड़ होवे जां घटाओ होवे, साडा की रूल है कि आधार ओही रहेगा। उपर वालियां संख्यावां जे जोड़ है तां असी जोड़ करदे हां, जे घटाओ है तां असी घटाओ करदे हां। जोड़ अते घटाओ वास्ते साडी विधि सेम है, 4 + 2 जोड़ दे सवाल भी साढ़े कोल 6/3 कट के साडा 2 आंसर आएगा। परंतु जे घटाओ दा सवाल होएगा 2 - 4/3 दैट इज -2/3, ये साडा ऋणात्मक पर आ जाएगा आंसर। इस तरह असी परिमेय संख्यावां दा जोड़ अते घटाओ नाल संबंधित सवाल हल कर सकांगे जदों हर बराबर होण। जदों हर बराबर ना होण तां साडे कोल जिहड़ी विधि है उह है कुछ असी लघुत्तम विधि नाल करदे हां, जां फिर असी तितली विधि नाल भी इह सवाल करदे हां। हुण देखो, लघुत्तम विधि विच असी 3 ते 5 दा लघुत्तम लैंदे हां जो कि 15 आ गया। 15 नूं 3 ते पा कीता 5, 5 × 10 जोड़ होएगा असी जोड़ पावांगे, घटाओ होएगा असी घटाओ पावांगे, विधि सेम है। 15 नूं 5 ते पा कीता 3 आया, 3 × 3 = 9 इस नूं जे जोड़ होएगा 10 + 9 = 19/15 साडा आंसर हो जाएगा।
जे कटाओ होएगा दस विचो नौ कटाए एक, एक बटा पंद्रह साडा आंसर हो जाएगा। अगर जोड़ होएगा हर बराबर नहीं होए होणगे तां एलसीएम मैथड विच असी ए विधि लगा सकते हाँ। इसे विधि दी ईजीएसट फॉर्म आपां छेवी विच कढ़दे हाँ बेटा, जिथे इसनू तितली विधि नाल कीता जांदा है। पंच दूनी दस, तीन तीए नौ अते पंच तीए पंद्रह, उही सारी चीज आ गई जो कि आपां लघुत्तम मैथड विच कर रहे हाँ। ए सी परिमेय संख्यावां दी जोड़ अते कटाओ नाल संबंधित सवाल। इस तो बाद बेटा असी परिमेय संख्यावां दी गुणा अते भाग नाल संबंधित सवाल करांगे। दो बटा तीन गुणा चार बटा पांच। देखो जे गुणा दा सवाल होएगा तां सब तो पहला काम है जे साडे कोलो कोई कटिया जाए तां कट दो। इत्थे साडा कोई भी दो नू असी तीन दे नाल नहीं कट सकते, दो नू असी पांच नाल नहीं कट सकते, आपस विच कदे भी नहीं कटना। जदों गुणा होएगा तां अंश नू हर नाल या ए वाले हर नाल कट सकते हाँ। इत्थे कटिया नहीं जा रहा, जे नहीं कटिया जा रहा तां उपर वाला उपर गुणा कर दवांगे, हेठां वाला असी हेठां गुणा कर दांगे। ए साडा परिमेय संख्या दी गुणा दा सवाल हो जाएगा। यही अगर असी भाग होवे तां असी की करदे हाँ बेटा, इसनू असी पिछली संख्या दा उल्ट क्रम मतलब कि रेसिप्रोकल असी कर देने हाँ। दो बटा तीन जेड़ा भाग है वह गुणा विच बदल जाता है, यह पांच बटा चार हो गया। हुण यह तुहाडा सवाल जेड़ा भाग वाला सी वह गुणा वाले सवाल विच बदल गया पिछली रकम का रेसिप्रोकल करके। हुण अगों यह गुणा वाले तरीके नाल चलेगा। याद करो हुणे मैं दस्या सी गुणा विच की करना है, जे कटिया जाए तो कट दो। देखो इत्थे साडा दो एकम दो, दो दूनी चार, इत्थे साडे कोल जो बच गया असी उपरला उपर गुणा करांगे, हेठां वाला हेठां, पांच एकम पांच बटा तीन दूनी छे। ए हो गया परिमेय संख्यावां दी गुणा नाल संबंधित बेसिक सम्स जो मैं तुहानू करके दसे हन। इस तो बाद असी वापस अपनी लर्निंग आउटकम्स ते आवांगे। परिमेय संख्यावां दे जोड़ कटाओ गुणा ते भाग इन्हां दे आपां सिंपल सवाल कीते हन। इस तो बाद बेटे दो परिमेय संख्यावां दे विचकार लोड़ अनुसार होर संख्ये होर संभावित परिमेय संख्यावां पता करनियां। जिवें तुहानू कोई दो परिमेय संख्यावां दित्तियां होईयां हन, दो बटा पांच, अते उस तो इलावा साड़े को एक संख्या होर दिती गई है सत बटा पांच, अते असी इस दे विचकार कोई संख्यावां पता करनिया हन। ता अगर आधार बराबर है ता तो साफ ही नजर आ रहा है कि इस विच तीन बटा पांच, चार बटा पांच अते छे बटा पांच ए तीन परिमेय संख्यावां होणगियां। परंतु बेटे जे आधार बराबर ना होवे तां असी पहला आधार बराबर करांगे, फिर उस तो बाद असी परिमेय संख्यावां पता करांगे। ए भी मैं तुहानूं करके दिखा देनी हां बेटा, जेकर इत्थे हुंदा दो बटा तीन, इत्थे हुंदा सत बटा पांच, तां असी इन्हां विच डायरैक्ट परिमेय संख्यावां नहीं पता कर सकदे, तां असी पहला इन्हां दे आधार बराबर करांगे। तुहानूं सब नूं पता है आधार बराबर करन लई असी की करदे हुन्ने आ, इहदे आधार नाल इहनूं असी उपर थले गुणा करांगे, इहदे आधार नाल असी इहनूं उत्ते थले गुणा करांगे। हुण देखो की बणिया, दस बटा पंद्रह इधर बन गया इक्की बटा पंद्रह। हुण देखो आधार बराबर हो चुका है और दस और इक्की दे विचकार साडे कोल बहुत सारिया संख्यावां ने, ग्यारह बटा पंद्रह, बारह बटा पंद्रह, तेरह बटा पंद्रह, चौदह बटा पंद्रह, तो तुहानू जिन्निया भी तुसी पता करनिया चाहो काफ़ी परिमेय संख्यावां इस विच पता कर सकते हो। जे बाई चांस इस तरह का सवाल आ जाता है इन्हां दोनों परिमेय संख्यावां दे विचकार चालीस संख्यावां पता करो,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 40 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, 10 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਟਾ ਸੀਗੀ 2, 3, 4, 5, 6, 9 ਅਤੇ 11 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਰੂਲਸ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 0, 2, 4, 6, 8 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ 3 ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੋ, 4, 23 ਇਜ ਨੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਬਾਏ 2। ਇਹੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਯੈਸ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਬਾਏ 2। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 7। 7 ਸਾਡਾ 3 ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 3 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ 24, 21, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਦੇ 9, ਤਾਂ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 9 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 3 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ 0 ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਉਸਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜਯੋਗ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰੂਲਸ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 0 ਜਾਂ 5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਜਾਂ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ 526 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ 530 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ 6,350 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ 63,505 ਤਾਂ ਇਹ 5 ਆ ਗਿਆ ਇਕਾਈ ਅੰਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆ 5 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ 2, 3 ਅਤੇ 5, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਉੱਤੇ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 4 ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਅੱਖਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ 426 ਨੂੰ ਅਗਰ 4 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 26 ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 4 ਦੇ ਪਾੜੇ 4 ਆ ਹੈ, 4, 6, 24, 5, 4, 7, 28, 24 ਤੇ 28 ਆ ਗਿਆ ਨਾ, 26 ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਬਾਏ 4। ਇਹੀ ਅਗਰ 424 ਹੁੰਦਾ ਵਿਲ ਚੈੱਕ 24, ਜਾਂ 428 ਹੁੰਦਾ ਵਿਲ ਚੈੱਕ 28, ਇਹ ਵੀ 4 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ 4 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ
अपना पड़ताल करके देख सकते हो ये कितना ही वड्डा नंबर हो जाए। इस नूं तुसी चेक कर सकते हो कि अगर अखीरले दो अक्षर चार दे पहाड़े विच आ गए तां वह पूरी दी पूरी संख्या चार दे पाजोग हो जाएगी। अगर अखीरले दो अक्षर चार दे पहाड़े विच नहीं आए तां वह पूरी दी पूरी संख्या चाहे वह कितनी वड्डी संख्या क्यों ना होवे वह साढ़ी चार दे पाजोग नहीं होवेगी। ए सी बेटा चार उत्ते पाजोगता दी जांच। इस तो बाद आ गई छे उत्ते पाजोगता दी जांच। किसी संख्या नू छे ते पाजोगता चेक करनी है तो बेटे बहुत ईजी है। देखो तुहानू दो ते पाजोगता चेक करनी आ गई, तुहानू तीन ते पाजोगता चेक करनी आ गई। तो जेड़ी संख्या दो ते भी पाजोग है, तीन ते भी पाजोग है, वह छे ते पाजोग होवेगी। तुसी बस उस संख्या नू दो और तीन दोनों ते चेक करना है। जिवें साडे कोल मान लो एक संख्या 256 है तो ए दो ते पाजोग है। यस क्यों? क्योंकि इसका अक्षर छे है। अपने कोल 0, 2, 4, 6, 8 अगर होवे इकाई अंक ते आपां यस करदे हां दो नाल। इस तो बाद आई साडी तीन दी वारी तो असी अखरां नू प्लस किया 6 ते 5 11, 11 ते 2 13। ए तीन ते पाजोग नहीं है। इसका मतलब 256 जेड़ा है वह 6 ते पाजोग नहीं होवेगा। अगर असी अखरां नू जोड़ कर दे और ये तीन ते पाजोग हो जाता, तीन दे पाड़े विच आ जाता इत्थे वाला डिजिट अखरां दे जोड़ वाला, तो फिर इसने 6 ते नैचुरली पाजोग हो जाना सी। हुण जिवें 216 है तो ये 6 है, ये 2 ते पाजोग है। इसका अगर असी जोड़ करांगे 9 आ रहा है, 6 ते 1 7 ते 2 9, तो 9 जेड़ा 3 दे पाड़े ते आ रहा है। इसका मतलब जेड़ा 216 है ये 6 ते भी पाजोग होवेगा। तो 6 ते चेक करना मतलब है उसनू 2 ते भी चेक करो, 3 ते भी चेक करो। अगर दोनों साढ़े यस आ गए तो वह 6 ते यस हो जाएगा। इस तो बाद बेटा 9 दे पाजोगता की जांच है। किसी भी अखर नू आपां 9 ते पाजोगता की जांच करनी होवे तो असी की करांगे, पहला अखरां दा जोड़ करांगे। अखरां दा जोड़ अगर 9 दे पहाड़े विच आएगा तो वह संख्या जेड़ी है जिवें 729 है, इस दी असी की करांगे 9 ते जांच करन वास्ते अखरां दा जोड़। 7 ते 2 9, 9 ते 9 18, 18 9 दे पहाड़े विच आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या 9 ते पाजोग होवेगी। इस तो बाद आ गया 11 उत्ते पाजोगता दी जांच। ये देखो बेटा आपा की कर रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स जेड़ियां सानू आईयां ने 2, 3, 4, 5, 6 असी सारे कर ले, 9 भी कर लिया, हुण वारी आई 11 दी। 11 दी पाजोगता दी जांच बेटा तुसी छोटियां क्लासेस तो ही सिख लैंदे हो, फिर भी मैं तुहानू करा दिंदी हाँ बेटा। जिवें साडे कोल 121 है, ये तो तुहानू ओरली पता है, फिर भी 1, 3, 3, 1 असी इसनों भी चेक कर लवेंगे। बेटे ये आप इकाई टांक स्थाना दे अंकों का जोड़ करते हाँ, जिस स्थाना दे अंकों का जोड़ करते हाँ, दोनों की कटाओ करते हाँ। हुण इस कोल टांक स्थाना ते 1 जमा 1 2 है, जिस स्थाना ते भी साढ़े कोल 2 है, तो उन्होंने कटाओ किया जे साडा 0 आ जाए जा 11 दे पाड़े विच डिविजिबल अखर आ जाए तो असी इसनों 11 ते पाजोगता हाँ कर दें। हुण ये देखो इसनों असी चेक कर लैने, टांक स्थाना ते साडे कोल बन रहा 4 1 जमा 3 4, जिस स्थाना उत्ते भी 3 जमा 1 4, दोनों कटाओ किया 0। तुसी कोई भी वड्डी संख्या लैके उस दे टांक ते जिस स्थाना दे अंकां दा जोड़ करके फिर उसकी कटाओ करोगे तो अगर तुहाडा आंसर जा 0 आ गया जा 11 दे पाड़े विच आ गया तो असी कहांगे कि यह संख्या 11 ते पाजोग है। जिवें मैं इत्थे थोड़ा जिहा होर दसना चाहूंगी कि जे कोई वड्डी संख्या होगी तो ये साडे टांक स्थान हैं, 1 वाला 3 वाला अते इधरों दी गिनना है हमेशा, पहला तीजा पंजवां, इन्हां दा असी जोड़ करांगे 2 जमा 3 जमा 4। फिर असी जिस स्थान की ने 7 जमा 2 इन्हां नूं जोड़ करांगे 9
ਤੇ 9 ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਕੀਤਾ 0 ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 11 ਤੇ ਪਾਠਸ਼ੁਕ ਹੋਏਗੀ ਤੋ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸੇ ਹਨ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ PAS ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਵਾਂਗੇ PAS ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ